दोस्तों, जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं रेणुका जी जा रहा हूँ, तो मेरे को रात हो गई है। रेणुका से पीछे ही ये नाहन दिख रहा है, आपको मैंने दिखाया था लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है लास्ट वीडियो तो आप देख सकते हैं। रात को मैं रेणुका जी नहीं पहुँचा तो रास्ते में ही रुक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग रेणुका जी गया मैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होने, मैं भी ठीक हूँ। तो ये रास्ते का नज़ारा है रेणुका जाते हुए, और काफ़ी सुंदर झरना था यहाँ पे, और बीच में ये मंदिर है, दोनों साइड के इसके पानी जा रहा है और काफ़ी हाइट से गिर रहा है ये पानी। झरना जो है ऊपर भी मंदिर है, तो जहाँ से पानी गिर रहा है, और नीचे भी मंदिर है। और यहाँ पे साथ में एक ढाबा था, और वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया सुबह। यहाँ का काफ़ी सुंदर नज़ारा, ढाबे के साथ काफ़ी सुंदर झरना दिखाई दे रहा था यहाँ पे। और इनका जैसे पीछे जो नदी जा रही है, यहाँ पे काफ़ी सुंदर एक रोड चला गया, हरिपुर, हरिपुर ये वाला रोड, हरिपुर चलिए गया। और यहाँ से रेणुका जी साथ में 2 किलोमीटर, मेन स्टेशन जो है इससे पीछे है, वहाँ पे बस स्टैंड है। और यहाँ पे लगता है रेणुका जी का मेला, काफ़ी सुंदर मेला लगता है यहाँ पे। और ये है परशुराम झील। परशुराम जी माता रेणुका जी के पुत्र थे। ये रेणुका जी जगह में पहले इधर परशुराम झील आती है, और आगे को है रेणुका जी। रेणुका जी का पानी इसमें परशुराम झील में आता रहता है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, ग्रीनरी ग्रीनरी है। अभी सुबह का टाइम है मॉर्निंग का, तो साइड में रोड बना हुआ है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो मेरे को नैनीताल की फीलिंग आ गई थोड़ी थोड़ी। नैनीताल में भी ऐसा ही है। और परशुराम झील के साथ में है मंदिर, यहाँ पे रेणुका जी का मंदिर है, परशुराम जी का मंदिर है, उसमें भी जाएंगे हम। अभी ये गेट है यहाँ से, तो ये है कि रेणुका जी का पानी जो है इधर परशुराम झील में आ रहा है। काफ़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। और इधर साथ में पार्किंग के लिए काफ़ी जगह है, वगैरह पार्क होती है। रेणुका जी में होटल नहीं है कोई भी, यहाँ पे एक ही है हिमाचल टूरिज्म का है। बाकी यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं आप, तो ये बोटें यहाँ पर चली हुई हैं। ये है हिमाचल टूरिज्म का, बिल्कुल रेणुका जी के साइड में हिमाचल टूरिज्म का होटल है। और कोई भी होटल नहीं है यहाँ पे, ठहरने का कोई नहीं है यहाँ पर, इंतजाम नहीं है यहाँ पे। बाकी धर्मशाला है यहाँ पे, 2-3 धर्मशाला है यहाँ पे बोटिंग के लिए। और यहाँ पे जू है साथ में, रेणुका जी के साइड में जू है, उसमें जाएंगे हम अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे जू में ये पक्षी पाए जाते हैं, उसका इधर बोर्ड लगा है कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं यहाँ पे। और दूसरी साइड को है यहाँ पे स्नेक्स वगैरह बताए हैं, ये पानी के अंदर मछली, कछुआ, और ऊपर हिरन वगैरह भी है। लिखी हुई है, और ये देख सकते हैं हम रेणुका जी झील। ये अभी यहाँ पे एक कटिंग करके बनाया है रेणुका जी की, उसका शेप का पूरा बोर्ड। ये है गेट रेणुका जी का, मेन गेट। यहाँ तक गाड़ियाँ वगैरह आती हैं, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, इससे आगे पैदल ही जाना पड़ता है। इसको स्कूटर वगैरह इधर ही खड़े हैं। यह है मेन गेट, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती। अभी आजकल पानी थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो थोड़ा कम हो जाता है, सर्दियों में कम हो जाता है पानी। और बीच में कमल के फूल, इसका
नज़ारा और भी सुंदर बना रही है। कमल के फूल हैं, देख सकते हैं आप, पत्ते से वो सूख गया है पत्ता, और नीचे छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं, बड़ी बड़ी पहले देखिए आपने, और ये छोटी छोटी मछलियाँ काफ़ी आगे तक है। कमल के फूल हैं, पीछे बोटें खड़ी हुई, मेन गेट है, और यहाँ से आगे की तरफ यहाँ पर धर्मशाला वगैरह है, काफ़ी देख सकते हो ऊपर तक पहाड़ियों के बीचों बीच श्रीलंका झील। अभी तो ठीक था मौसम, और ये ऊपर को वॉशरूम वगैरह है यहाँ पे, यही है वॉशरूम जो है, इसको जाना तो यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मछलियाँ देख सकते हैं आप, सारी मछलियाँ, और यहाँ पे धर्मशाला है साथ को है, साथ में आ गए तो अलग अलग हैं, नाम तो उनको याद नहीं करती है उनको तो। परशुराम झील की तरफ आए तो वहाँ पे है मंदिर, परशुराम झील में है मंदिर जो है, इस साइड है देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत मछली है, यहाँ पे दो तीन मंदिर अलग अलग मंदिर हैं, और यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ लोग आए थे तो हरियाणा साइड से, तो वहाँ पे हवन कर रहे थे, भी किया हवन किया, फिर हनुमान चालीसा का जाप किया सभी ने यहाँ पे बैठ के। यह है परशुराम जी का मंदिर, एक पेड़ भी यहाँ पे लिखा था कुछ, काफ़ी पुराना पेड़ है, गुल को क्या नाम में पढ़ा हुआ है। और यह है माता रेणुका जी का मंदिर साइड की तरफ, और ये है यहाँ से उस साइड से आ रहा है रेणुका जी का पानी जो है, इधर रेणुका जी का पानी जो है परशुराम झील में आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी मछली मिल जाती है, इधर मिल रहा है परशुराम झील, और यह परशुराम जी का मंदिर, और इस पर परशुराम जी ने बैठ के तपस्या की थी, परशुराम शिला, और ये हरियाणा से लोग आते हैं यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मन बिल्कुल शांत हो गया था बिल्कुल। और अभी मैं जा रहा हूँ रेणुका जी के साइड में जो झील है, उसके दोनों साइड जो है इसके झील के राउंड में लगभग इसका पूरा राउंड जो है 3 किलोमीटर का है, तो इसके साइड में जो है जू है, इसकी कोई टिकट वगैरह नहीं है, इसमें आप ज़्यादा से जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हिरण देख सकते हैं ऊपर को, हिरण लगे हैं अंदर, और ये यहाँ पे एक टावर बना था, उसके ऊपर मैं खड़ा होके चारों तरफ का व्यू है, ये देख सकते हैं ऊपर से हाइट पे खड़ा हुआ था मैं, नीचे वो व्यू है, अभी बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ मैं, और वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पे बालू भी है जू के अंदर, ये पानी पी रहा है काफी, तो 5 मिनट देखता रहा तो ये पानी पीता रहा बस ऐसे ही, और इसको रहने के लिए गुफा बनाई हुई है, ये भी भालू दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। आप देख सकते हैं कि इसके साइड में और थोड़ा बीच में भी खजूर के पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये बीच में, और ऊपर तक पहाड़ी, और बीच में थोड़ी ठंडक छाया रोड के चारों तरफ, बहुत ही सुंदर नज़ारा रेणुका झील का, और ऊपर एक ऊपर भी रोड जा रहा है, एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पर हमारी टाइमिंग थोड़ी सी गलत है, हम दोपहर में चले हैं तो अभी थोड़ी गर्मी भी लग रही है, नहीं तो अगर शाम का टाइम होता या मॉर्निंग का होता तो सुबह का तो काफ़ी अच्छा रहना था, बढ़िया ठंडा एकदम कूल कूल, अभी गर्मी लग रही है थोड़ी, और इधर जू भी साथ में है और झील भी, इसकी कोई टिकट नहीं है,
ये है 3 किलोमीटर है इसका घेरा झील का, काफी सुंदर नजारा देख सकते हैं आप। यह है माँ का दूध, यहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है तो इसको कहा जाता है कि माँ रेणुका परशुराम को अभी भी दूध पिला रही है और इस पानी को पीने से कोई भी मतलब चर्म रोग हो वो दूर हो जाता है। मैं भी एक मैंने वहाँ पे पिया पानी और एक बॉटल लेके घर भी आया, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पी लिया। और सामने वो आश्रम वगैरह दिख रहे हैं और बीच में कमल के फूल आए हैं, अभी पत्तियां दिख रही हैं, फूल भी हैं बीच में, फूल कम है ये देख सकते हैं, अभी कोमल है छोटी सी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मन कर रहा था कि यहीं पे रह लूँ 2-4 दिन,